Hi guys and welcome to our today's video in which we are going to discuss our today's chapter which is Pepper the Phantom Pet. Actually हम इसका थोड़ा सा पार्ट पिछले वीडियो में कर चुके हैं, अभी हम उसका जो रिमेनिंग हमारा चैप्टर बचा है वो हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. आई वॉज सिक फ्रॉम फ्यू डेज तो मैं कुछ दिनों से वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट नाउ आई एम बैक टू नॉर्मल. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग अवर चैप्टर. तो अभी हमने मतलब कहाँ तक पढ़ लिया था कि जो पिया है वो अपने इमेजिनरी पेट के बारे में एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है. जिसके पास है नहीं वो बस मतलब ऐसे अपनी ओर से बनाई जा रही है, ठीक है. तो पल्लवी क्या बोलती है कि तुम सब चुप कर जाओ, ठीक है. वो क्लास को बोल रही है कि तुम सब लोग चुप कर जाओ, पिया को बोलने दो अपने पेट के बारे में जो ऑब्वियसली इमेजिनरी है. तो पिया क्या बोलता है, आई हैव टेक्स अ डीप ब्रेथ. अभी देखो जब भी आपको कोई भी नर्वस वगैरह फील होता है, ठीक है, तो आप ब्रेथ वगैरह लेते हो ना ऐसे करके, ठीक है. तो वैसे ही पिया ले रही है थोड़ी सी नर्वसनेस की वजह से. नाउ द डिसीजन इज टेकन, शी स्पीक्स अप. डिसीजन इज टेकन मतलब अभी उसने डिसाइड कर लिया है कि उसको अपनी इज्जत बचानी है. तो वो बोलती है कि मेरे पास एक मंकी है. क्लास इरप्ट्स विद एक्साइटमेंट. अभी फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो कि आप किसी के घर पे जाते हो और मंकी को देखते हो, वो लीश से बंधा हुआ है. ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट एट ऑल नॉर्मल, ठीक है. पेट को मंकी को एज अ पेट रखना इज़ नॉट एट ऑल नॉर्मल, ठीक है. तो इसीलिए क्लास क्या होती है, पूरी हैरान हो जाती है एंड बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है. स्टूडेंट्स वो अ मंकी, गॉश दैट्स सो कूल मैन, शी इज़ सो लकी, ठीक है. तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो नॉर्मल मतलब बोलते हैं ऑब्वियसली जब भी आप कोई अनयूजुअल चीज़ बोलोगे कि ओ माई गॉड, ठीक है. तो वही यहाँ पे वो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एडमायरेशन एंड एनवी. एनवी का मतलब क्या होता है कि थोड़ी सी जेलसनेस कि यार इसके पास मंकी है मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है. तो टीचर क्या बोलती है कि चिल्ड्रन लेट अस स्पीक, गो ऑन पिया, के बच्चों उसे मतलब बोलने दो, पिया को आगे बोलने दो, अपने पेट के बारे में एक्सप्लेन करने दो. तो पिया बोलती है कि हो गया बस, मेरे पास एक मंकी है बस, और क्या बताऊँ मैं उसके बारे में, ठीक है. तो मतलब अभी ऑब्वियसली उसका इमेजिनरी पेट है तो उसका दिमाग वगैरह लड़ाने का जी नहीं कर रहा होगा, ठीक है. तो वो तभी बोल रही है कि मेरे पास एक मंकी है बस, अभी मैं बैठ जाऊँ, ठीक है. तो फिर स्टूडेंट नंबर 5 क्या बोलता है कि कम ऑन टेल अस सम मोर, यू हैव गॉट टू, कि थोड़ा सा तुम और एक्सप्लेन करो ना अपने पेट के बारे में. बिकॉज टीचर भी बोलती है अभी आगे कि हाँ पिया मतलब हमें अपने पेट के बारे में बताओ, क्योंकि मतलब रोज़ रोज़ तो नहीं देखते हैं ना हम कि मंकी को एज अ पेट रखा हुआ है. तो पिया आगे बोलती है यस वेल, तो वो थोड़ी सी क्या करती है, हेजिटेटली बोलती है कि चलो ठीक है. तो फिर स्टूडेंट 1 क्या बोलता है कि उसका नेम क्या है, कि ऑब्वियसली उसका कोई नेम वगैरह तो होगा ही ना. तो पिया क्या बोलती है कि वेविंग अ बिट ऑफ पेपर दैट शी हैज़ इन हर हैंड. तो उसके हैंड में क्या होता है, एक मतलब पेपर का पीस होता है. तो उसको हिलाते हिलाते वो सोच रही होती है कि मैं अभी क्या नाम दूँ, ठीक है, पेपर आई मीन पेपर के. फिर वो क्या करती है, अभी उसके हाथ में पेपर था तो वो सोच रही थी तो उसके दिमाग में अचानक से एक आइडिया स्ट्रक हुआ कि पेपर बोल देती हूँ, ठीक है. तो उसने क्या बताया अपने इमेजिनेटिव मंकी का नाम, पेपर. पेपर से नेम को मॉडिफाई करके पेपर रख दिया. तो स्टूडेंट 1 क्या बोलता है, सो क्यूट. तो स्टूडेंट 2 क्या बोलता है, इज इट अ बॉय और अ गर्ल, कि वो एक लड़का या लड़की है. तो फिर पिया क्या बोलती है कि वो एक लड़की है. तो फिर क्या बोल क्लास हंसने लगती है. तो स्टूडेंट क्या बोलते हैं, इज इट वन ऑफ दोज ब्राउन मंकीज दैट बंदर वाला जैक, ओके. तो अभी स्टूडेंट 3 क्या बोलते हैं कि जो बंदर वाला होते हैं ना, अभी तो ऑब्वियसली वो कम हो गए हैं, बट पहले क्या होता था ना मेले वगैरह में बंदर से मतलब करतब वगैरह दिखाए जाते थे, ठीक है, उनसे करतब वगैरह करवाए जाते थे. जमूरा और बंदर आपने सुना होगा, ठीक है. तो वैसे वो बोलते हैं स्टूडेंट 3 कि क्या वो मतलब उनमें से एक ब्राउन मंकी जैसा है जो हमें मतलब बंदर वाले जो ट्रिक्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, क्या वो उनके जैसा मंकी है. तो पिया क्या बोलती है, नो इट इज़ कैपुचिन मंकी. कैपुचिन मंकी मतलब एक मंकी की ब्रीड होती है वो, ठीक है. तो ऑब्वियसली पिया को पता था, मतलब बहुत ज़्यादा वो वाइल्ड लाइफ की शौकीन थी ना, तो उसने अपनी तरफ से जो भी उसके दिमाग में ब्रीड आई उसने बोल दिया कि वो एक कैपुचिन मंकी है. और मतलब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं सब, ठीक है, कि वॉट. तो पिया क्या बोलती है, वार्मिंग टू हर सब्जेक्ट नाउ, अ कैपुचिन मंकी इट्स अ साउथ अमेरिकन ब्रीड, इट्स क्वाइट रेयर, ठीक है. कि थोड़ा सा मतलब वो शांति से बोलती है पिया, अपने इमेजिनेटिव पेट को एक्सप्लेन कर रही है कि वो एक कैपुचिन मंकी है, कैपुचिन ब्रीड है, वो एक साउथ अमेरिकन ब्रीड है. साउथ अमेरिकन मतलब वो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा
रेयर होते हैं, मतलब वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। तो स्टूडेंट फोर क्या बोलता है कि तुम्हें वो कहाँ से मिला अगर वो इतने रेयर है। तो पिया क्या बोलती है, माई अंकल बाउट हर इन चाइल्ड, कि मेरे जो अंकल थे उन्होंने उसे चाइल्ड में ख़रीदा था। चाइल्ड क्या है, एक प्लेस है, ठीक है। तो पिया क्या बोलती है कि मेरे अंकल ने उसे चाइल्ड से ख़रीदा था, ही इज़ एन एनिमल स्पेशलिस्ट सो ही गॉट हर। कि फिर पिया क्या बोलती है कि वो एक एनिमल स्पेशलिस्ट हैं, मेरे अंकल एक एनिमल स्पेशलिस्ट हैं, वो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, इसीलिए वो उसको लेके आए पेपर को, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, वाओ दैट्स ऑसम, हाउ ओल्ड इज शी, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड, ठीक है, कि मतलब वो सारे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, वट डज शी ईट, वट डज शी वेयर, वेयर डज शी स्लीप, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों के माइंड में इरप्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको पिक्चर दी हुई है ना, ये क्या है, कैपुचिन मंकी की पिक्चर है, ठीक है। क्या आप पेपर को ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे पिया ने इमेजिन किया। तो फिर आगे टीचर क्या बोलती है कि बच्चों 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 सारे शांत हो जाओ, तुम सब शांत हो जाओ वरना मैं तुम्हें रिटर्न वर्क दे दूंगी, ठीक है, कि मैं तुम्हें रिटर्न वर्क मतलब नोटबुक में लिखने को कुछ दे दूंगी। तो ऐसे जब वो बोलती है टीचर, तो सब मतलब एकदम चुप हो जाते हैं, जिसको हम लोग पिन ड्रॉप साइलेंस बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल चुप हो जाते हैं सारे। तो फिर आगे टीचर क्या बोलती है, पिया यू हैव क्रिएटेड सच अ सेंसेशन विद योर मंकी, नाउ आई थिंक स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी थिंग एल्स, ठीक है। तो टीचर क्या बोलते हैं कि पिया मुझे लगता है कि तुमने मतलब अपने मंकी के साथ काफ़ी सारे मतलब क्या बोलते हैं कि इन्फ्लुएंस कर दिया हमारे बच्चों को, कि काफ़ी ज़्यादा मतलब एक सेंसेशन बना दिया अपने मंकी की। तो मुझे नहीं लगता कि अभी बच्चे उसके अलावा कुछ और सोचने के मूड में है, ठीक है। अ मंकी एंड दैट टू अ रेयर ब्रीड, व्हाई डोंट यू गिव अस अ टॉक। तो फिर वो क्या बोलती है, टीचर क्या बोलती है कि तुम्हारे पास एक मंकी है एज अ पेट, और वो भी मतलब कितनी रेयर ब्रीड है, तो तुम हमें उसके बारे में थोड़ा सा और बताओ। तो इस पर क्या होती है, बेल रिंग, जो अगले पीरियड की घंटी बजती है ना, टिंग 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 टिंग, तो वो बज गई है। ओके, फॉर द नेक्स्ट क्लास पिया यू कैन प्रिपेयर लेक्चर अबाउट योर वेरी स्पेशल पेट। तो फिर क्या है, टीचर क्या बोलती है पिया को कि पिया हमारा जब कल पीरियड लगेगा, जब हमारा कल लेक्चर लगेगा, तुम मतलब एक स्पीच तैयार करके आना अपने पेट को डिस्क्राइब करने के लिए। तो फिर स्टूडेंट फाइव क्या बोलता है, या गेट सम फोटोज एंड ऑल, कि उसके कुछ फोटोज़ भी लेके आना तुम। वाई फोटोज़, वाई कॉन्ट पिया ब्रिंग द मंकी टू क्लास। तो फिर स्टूडेंट सिक्स क्या बोलती है कि फोटोज ही क्यों, वो मतलब पूरा मंकी स्कूल में क्यों नहीं लेके आ सकती। तो इस सजेशन पे मतलब बहुत सारी मतलब एकदम साइलेंस पड़ जाती है, सब इसके बारे में सोचने लगते हैं। पिया इज पेट्रीफाइड, एक्सट्रीमली फ्राइटन, मतलब वो बहुत डर जाती है कि भाई वो कहाँ से लाएगी पेट जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। द अदर्स आर स्टंड एट द ब्रिलियंस ऑफ द आइडिया, कि मतलब सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना अच्छा आइडिया। देन एवरी वन स्टार्ट्स येलिंग, स्टूडेंट्स बिगिन टू एक्ट लाइक मंकीज। तो क्या होता है, सब लोग मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं एंड बच्चे ही बंदरों की तरह एक्ट करने लगते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, मैम 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 टेल इट टू ब्रिंग द मंकी टू द क्लास, यस 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 लाइक अ शो एंड टेल, प्लीज मैम ब्रिंग द मंकी टू क्लास, नो पिया। तो फिर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं सारे टीचर को कि मैम प्लीज़ पिया को बोलो कि वो अपना मंकी स्कूल में लेके आए। तो टीचर क्या बोलती है, ऑल राइट आई आस्क द प्रिंसिपल फॉर स्पेशल परमिशन। तो इस ओपिनियन पे टीचर क्या बोलती है कि आइडिया तो बहुत अच्छा है बट मुझे प्रिंसिपल को पूछना पड़ेगा परमिशन के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि कोई भी मतलब स्कूल में कोई भी जानवर उठा के ले आएगा, ठीक है। तो टीचर क्या बोलती है कि ठीक है, ये आइडिया बहुत अच्छा है, मैं प्रिंसिपल को परमिशन के लिए पूछूंगी। सो फिर आगे क्या होता है कि टीचर मतलब क्लास से चली जाती है, चिल्ड्रन क्राउड अराउंड पिया, क्या ठीक है, सारे बच्चे क्या करते हैं पिया के अराउंड एक झुंड सा बना लेते हैं। द क्लास डिजॉल्व्स एंड द चिल्ड्रंस आर नाउ आउट इन द हॉल्स। ये क्लास क्या होती है, क्लास मतलब पूरी क्लास चली जाती है बाहर क्लासेस से, रिसेस का टाइम है आई थिंक। तो फिर क्या करते हैं, सारे जो चिल्ड्रन है वो हॉल में चले जाते हैं, जो भी स्कूल का हॉल होता है। अदर चिल्ड्रन एंटर द हॉल फ्रॉम अदर क्लासेस। तो फिर क्या होता है, जो बाकी बच्चे होते हैं वो भी एंटर कर जाते हैं हॉल को, मेन हॉल को, बाकी क्लासेस से। सो पियास क्लासमेट्स रन टू देम एंड टेल देम द हॉट न्यूज़ ऑफ द डे। तो जो पिया के क्लासमेट्स हैं वो क्या करते हैं, वो बाकी क्लासेस के बच्चों को जाके बताते हैं कि देखो देखो देखो, तो हमारी क्लास में एक लड़की है जिसके पास एक मंकी है एज अ पेट। सो बिलो आर सम सजेशंस, बट इट वुड बी बेस्ट फॉर द students to improvise some of the lines themselves। Pia stands in her corner downstage and looks at
देम। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि ये एक प्ले है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि नीचे कुछ सजेशंस हैं जो बच्चे प्ले में बोल सकते हैं, ठीक है, जब भी ये परफॉर्म किया जाएगा। बट जो भी ये लाइंस लिखी गई हैं इनको चेंज किया जा सकता है, कि स्टूडेंट्स के लिए यही ठीक होगा कि वो अपनी तरफ से लाइंस लिखें, अपनी तरफ से लाइंस को इम्प्रोवाइज करें, इम्प्रोवाइज मतलब थोड़ा सा इम्प्रूव करें। पिया स्टैंड इन हर कॉर्नर डाउन स्टेज, कि पिया क्या करती है, वो डाउन स्टेज खड़ी हो जाती है, स्टेज से नीचे खड़ी हो जाती है एंड लुक्स एट देम, और उनकी तरफ देखती है। तो क्लासमेट्स क्या बोलते हैं उसके सारे कि क्या तुमने सुना, तो चिल्ड्रन क्या बोलते हैं कि नहीं क्या, तो फिर क्लासमेट्स बोलते हैं पिया के कि पिया के पास एक मंकी है एज अ पेट, उसका नाम पेपर है एंड वो एक गर्ल है, शी इज साउथ अमेरिकन, पिया इज गोइंग टू गेट हर टू स्कूल, ठीक है। तो फिर क्या बोलते हैं आगे उसके क्लासमेट्स के, वो एक साउथ अमेरिकन मंकी है एंड वो बहुत ज़्यादा रेयर ब्रीड है एंड हमने ये भी सुना है कि पिया उसको स्कूल लेके आने वाली है। तो बॉय के बोलते हैं व्हाट व्हाट टेल मी, पिया इज गोइंग टू ब्रिंग सम साउथ अमेरिकन गर्ल टू स्कूल, वाओ मैन कैन यू इंट्रोड्यूस मी टू हर। तो फिर एक बॉय क्या बोलता है कि क्या पिया एक साउथ अमेरिकन गर्ल को स्कूल में लेके आ रही है, तो अभी ये जो पूरा प्ले है ना ये एक इंडियन स्कूल में बेस्ड है। तो फिर एक बॉय क्या बोलता है कि क्या एक साउथ अमेरिकन गर्ल हमारे स्कूल में एडमिशन लेने वाली है, तो फिर वो क्या बोलता है कि क्या तुम मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। तो फिर स्टूडेंट क्या बोलता है कि नॉट अ गर्ल सिली अ मंकी, कि वो कोई गर्ल नहीं है, ठीक है, वो कोई लड़की नहीं है, वो एक बंदर है। तो फिर स्टूडेंट क्या थ्री क्या बोलता है, येस बट अ मंकी वुड जस्ट बी द परफेक्ट गर्लफ्रेंड फॉर दिस एप। तो स्टूडेंट थ्री क्या बोलता है कि हाँ भाई इस एप के लिए वही मतलब बंदर ही फ्रेंड सही होगा। तो फिर बॉय क्या बोलता है अ मंकी हूज मंकी, तो बॉय क्या बोलता है कि हाँ एक मंकी किसका मंकी, तो पिया बोलती है ऑडियंस को, ऑडियंस को मतलब जो भी स्टेज के नीचे प्ले देख रहे हैं, कि मुझे लगता है कि आपको पहले से पता है कि कोई मंकी वंकी नहीं है मेरे पास, ठीक है, कि मेरा मतलब ये मंकी बिजनेस है, बट एवरीवन एक्सपेक्टेड समथिंग रियली एक्साइटेड फ्रॉम मी। तो ऑब्वियसली पूरी क्लास पिया को एक एनिमल एक्सपर्ट मानती है, तो वो उससे मतलब कुछ एक्साइटिंग ही एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, कि उसके पास कुछ और ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी वगैरह होगा। आई कुडंट डिसअपॉइंट देम, कि मैं मतलब जो भी क्लासमेट्स थे उसके उनको डिसअपॉइंट नहीं कर सकती है, वरना मेरी क्या ही इज्जत बच जाती। कुड आई हैव टू गिव देम समथिंग टू टॉक अबाउट, डिडंट आई। तो फिर हमें वो पूछ रही है कि मुझे मतलब कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना, मुझे कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता। तो फिर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं सारे कि हे पिया मतलब हमने अभी अभी सुना कि तुम्हारे पास ये बहुत ही ज़्यादा कूल न्यू पेट है। तो पिया क्या बोलती है, ओ तुमने सुना हा? तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि हाँ मतलब एक ऐसी चीज कि तुम्हारे पास एक मंकी है एज अ पेट, मतलब ऐसी चीज अगर मेरे पास हो, अगर मेरे पास एक मंकी हो एज अ पेट, तो मैं पूरी दुनिया को सिर्फ एक मिनट में बता दूं। तो फिर क्या बोलते हैं दूसरा स्टूडेंट क्या बोलता है, ना ना मैं तो एक नैनो सेकंड में बता दूं, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या बोलते हैं, हाउ कम यू केप्ट सच अ ह्यूज थिंग सीक्रेट, कि तुम मतलब इतनी बड़ी चीज को सीक्रेट कैसे रखा, इतनी बड़ी चीज को तुमने हमें। तो फिर इस बात पे पिया क्या रिप्लाई करती है कि ऑब्वियसली मतलब मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरस थी, बहुत ज़्यादा मुझे शर्म आ रही थी, ठीक है, मतलब मेरा कोई ऐसा शो ऑफ करने का मूड वगैरह नहीं था, बट ऑब्वियसली वो यहाँ पे झूठ बोल रही है। तो बॉय क्या बोलते हैं, ओ हाँ मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब कैसे समझाऊँ आपको, मॉडेस्ट मतलब आप बोल सकते हो कि किसी और को बुरा ना फील करवाने के लिए जो बहाना लगाना या फिर झूठ बोलना, मतलब आप बस समझ लो कि ओ हाउ मॉडेस्ट आई वुड हैव शोड ऑफ एंड शोड ऑफ टिल आई वॉज ब्लू इन द फेस, कि मैं मतलब पूरी तरह इतना शो ऑफ करता कि मेरा मुंह ही मतलब नीला हो जाता। तो स्टूडेंट क्या बोलता है, यू ऑलरेडी डू ओके, जस्ट कीप क्वाइट एंड लेट्स हियर अबाउट द मंकी यू बिहेव। तो फिर स्टूडेंट क्या बोलता है कि मतलब तुम अभी भी बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हो, तो तुम मतलब बस चुप रहो एंड हम उसके मंकी के बारे में सुनते हैं। तो श्यामा क्या बोलता है, पिया हे पिया द प्रिंसिपल कॉलिंग यू, कि पिया प्रिंसिपल तुम्हें बुला रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली वो परमिशन के लिए बुला रहे हैं, तो ही वॉन्ट्स टू सी यू अबाउट समथिंग, कि वो तुम्हें कुछ चीज़ के रिगार्डिंग मिलना चाहते हैं। तो पिया क्या बोलता है, वट हैव आई डन, कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि प्रिंसिपल को मुझसे मिलना है। तो श्यामा क्या बोलता है, गॉड नोज आई एम जस्ट कैरिंग द मैसेज, कि भाई अब तो ये भगवान को ही पता कि तुम्हें क्यों बुलाया है, मैंने तो बस मैसेज कैरी किया है। तो फिर क्या बोलता है, एंटर
द प्रिंसिपल फ्रॉम डाउन स्टेज राइट बिकन्स टू पिया हु गोज टू हिम ट्रेम्बलिंग हाफ विद टेयर शी टर्न्स इन एन असाइड टू ऑडियंस. तो फिर क्या होता है, जो प्रिंसिपल है वो डाउन स्टेज खड़ा है, वो पिया को देखता है. हु गोज टू हिम ट्रेम्बलिंग हाफ वे देयर. तो फिर क्या बोलती है पिया, पिया मतलब अभी प्रिंसिपल डाउन स्टेज खड़ा है, तो डाउन स्टेज प्रिंसिपल का ऑफिस हो गया. ठीक है, इमेजिन करो उसको, डाउन स्टेज प्रिंसिपल का ऑफिस हो गया एंड पिया प्रिंसिपल के ऑफिस जा रही है. बट फिर वो क्या करती है, डाउन स्टेज जाने के मतलब आधे से रास्ते में वो रुक जाती है एंड फिर से ऑडियंस की तरफ देखती है एंड क्या बोलती है, ओ गॉड डू यू सपोज द प्रिंसिपल्स गॉट टू नो अबाउट माई फैंटम मंकी. तो फिर क्या बोलती है कि ओ गॉड मतलब प्रिंसिपल ने मुझे क्यों बुलाया है, क्या उन्हें मेरे फैंटम मंकी मतलब मेरे इमेजिनेटिव पेट के बारे में पता चल गया. उफ आई एम रियली इन ट्रबल, कि अभी मैं बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में फंस गई हूँ बिकॉज ऑब्वियसली उसका पेट रियल नहीं है. आई टेल यू ऑल दोज बुक्स दैट मॉरलाइज एंड गो ऑन अबाउट नॉट टेलिंग अ लाई आर राइट. आई विश आई रीड देम अ बिट मोर केयरफुली एंड लर्न नॉट टू शूट माई माउथ ऑफ. ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या बोल रही है कि मैं मतलब विश करती कि मैं विश कर रही हूँ कि मैंने जो भी वो मॉरल साइंस की बुक्स वगैरह होती है ना कि मुझे आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो वो पिया क्या बोल रही है कि मेरी यही इच्छा है कि मैंने उन्हें थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ लिया होता एंड मैंने मतलब ऐसे ही अपना मुंह ना बका होता, ये सब ना बका होता है. ठीक है, मैंने झूठ ना बोला होता, ना मैं रियली बिग ट्रबल, कि अभी मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में हूँ. तो फिर क्या बोलती है, प्रिंसिपल के साथ प्रिंसिपल के पास वो जा रही है. गुड मॉर्निंग सर, तो वो प्रिंसिपल को ग्रीट करती है हेजिटेटली गुड मॉर्निंग सर बोल के. देन प्रिंसिपल क्या बोलता है, आ येस पिया योर टीचर हैज़ जस्ट इन्फॉर्म मी दैट यू हैव अ डिलाइटफुल मंकी एज अ पेट बट दिस इज़ जस्ट वंडरफुल. तो फिर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि पिया मुझे तुम्हारी टीचर से पता चला है कि तुम्हारे पास एक मंकी है एज अ पेट, कि मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल है, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी बात है, मतलब बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है. वी आर स्टडिंग प्राइमेट्स आर वी नॉट. प्राइमेट्स क्या होते हैं, प्राइमेट्स एक कैटेगरी है जिसमें मंकीज भी आते हैं. ठीक है, फिर वो क्या बोलता है प्रिंसिपल कि तुम प्राइमेट्स के बारे में पढ़ रहे हो ना, तुम्हारी क्लास में प्राइमेट्स का जो भी साइंस में चैप्टर आता है प्राइमेट्स का आता है ना, आर वी नॉट. आई थिंक इट वुड बी अ वंडरफुल आइडिया फॉर यू टू ब्रिंग योर मंकी टू स्कूल. तो फिर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है अगर तुम अपने मंकी को स्कूल लेके आओ. व्हाट डिड यू सी हर नेम वाज गरम मसाला, कि तुमने उसका नाम क्या बताया, गरम मसाला. तो गरम मसाला एंड पेपर एक ही मीनिंग है, दो मीनिंग्स है एक ही वर्ड के. ठीक है, हिंदी में पेपर को गरम मसाला बोला जाता है. तो प्रिंसिपल ऐसा जोक में बोलते हैं कि तुम्हारे पेट का नेम क्या था, गरम मसाला. तो पिया क्या बोलती है, पेपर, वो भी थोड़ा सा हेजिटेंटली बोलती है. तो फिर प्रिंसिपल क्या बोलती है, हा 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 यस पेपर नॉट गरम मसाला, हा यस वेल एज आई वॉज सेइंग आई थिंक वी मस्ट टेक दिस रेयर अपॉर्चुनिटी एंड गेट दिस मंकी टू स्कूल. तो फिर क्या बोलते हैं कि हाँ पेपर, मुझे सुन गया उसका नाम पेपर है, नॉट गरम मसाला, नाम उसका गरम मसाला नहीं है. बट मैं यही सोच रहा था कि क्यों ना तुम उसको स्कूल में लेके आओ, मतलब हर किसी को मंकी देखने की अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलती है ना, आप रोज़ रोज़ तो मंकी नहीं देखते हो. डू यू थिंक योर पेरेंट्स वुड माइंड, कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स इस चीज़ की परमिशन दे देंगे. तो वो पूछ रही है, आ यस मे बी आई शुड जस्ट रिंग देम अप एंड गेट देयर परमिशन. फिर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आई थिंक मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करके पूछ लेना चाहिए. आ यस 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 वेरी गुड, विप्स आउट हिज मोबाइल फ़ोन. तो फिर क्या बोलता है कि हाँ ये आइडिया अच्छा है, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करके पूछ लेना चाहिए. ठीक है, तो फिर वो क्या बोल क्या करते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन अपनी पॉकेट से बाहर निकालते हैं एंड वो क्या पिया को क्या पूछते हैं कि तुम्हारे पापा का मोबाइल नंबर क्या था, मैं भूल गया, आई एम श्योर ही वुडन माइंड. तो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि तुम्हारे पापा का मोबाइल नंबर दो, मुझे उनसे परमिशन मांगनी है कि तुम अपने मंकी को स्कूल में लेके आ सको. तो फिर वो पिया क्या बोलती है ऑडियंस को, ओ आई एम गोइंग टू बी सिक, ओ आई एम गोइंग टू थ्रो ऑल ओवर प्रिंसी, हेल्प मी समवन डबल्स ओवर होल्डिंग अ स्टमक. तो फिर पिया क्या बोलती है ऑडियंस की तरफ बोल रही है, ठीक है,